BH Pasha, and today we are going to discuss about whether pre-medical students can get admission into math subjects like computer sciences, electrical engineering, civil engineering and so on. So पहले ऐसा होता था हमारे यहाँ के pre-medical के जो students जिन्होंने FSC अपना pre-medical के साथ किया उनको allow नहीं होता था कि वो अपना math वाले subjects में like computer sciences हो गया, electrical engineering हो गया और इस तरह के इवन बी एस मैथ्स हो गया उसमें एडमिशन नहीं ले सकते. तो लेकिन अब गवर्नमेंट की नई रूल्स रेगुलेशन आए हैं जिसमें है कि इंटर गवर्नमेंट, मेरे पास कम्युनिकेशन एक लेटर आया है, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट बट समवन सेड मी, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू. सो यहाँ पे एक मेजर लाइन लिखी है जो कि हमारा टॉपिक भी है. Allows admission to students of intermediate pre-medical in all bachelor computer programs, CS, IT, artificial intelligence, cyber security, and etc. So that's a good news. And but इसमें एक requirement उन्होंने रखी है, अगर यहाँ पर हम देखें कि 6 credit hours within 1 year of mathematics courses, deficiency course of mathematics. So basically ये आपको extra, अगर जो pre-medical के students हैं उनको extra पढ़ना पड़ेगा. वैसे तो 6 credit hours means आपके, अगर आपका semester system obviously होगा तो मे बी एक semester में 3 credit hours एंड next semester में 3 credit hours का अलग अलग कोर्स हो. सो 3 credit hours बेसिकली मीन कि आपके एक हफ्ते में जो क्लास होती है यूनिवर्सिटी में वो 3 घंटे की क्लास होगी. सो अगर ये 6 credit hours, that's not even tough at university level, but आपको एक लेवरेज दिया जा रहा है क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं चाह रहे होते मेडिकल करना, या उनका एक तो दिल भी, वो मैथ में भी अच्छे होते हैं, मेडिकल में भी अच्छे होते हैं, बायोलॉजी में आई मीन टू से अच्छे होते हैं, बट एट द एंड वो देखते हैं कि मेडिकल से या तो डाइवर्ट होना चाह रहे हैं, वापस मैथ की तरफ आना चाह रहे हैं, या वो समझते हैं कि नहीं, हम मैथ में ज़्यादा ही अच्छे थे, ये मेडिकल में हमें नहीं आना चाहिए था, या सम अदर रीज़न वो वापस अपना बाकी और कोई डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं. यू नो लाइफ चेंजेस, डिसीजन चेंजेस. सो बेसिकली इंटर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है, HEC से ये NCAC हमारा गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है, आप इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी देख सकते हैं. सो द नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशनल एक्रीडेशन काउंसिल इज एन एक्रीडेशन बॉडी बाय अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन. सो बेसिकली इसके अलावा भी इवन ये तो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी, इसके अलावा भी हमारे एक और मेथ है कि जिन्होंने मैट्रिक किया है कंप्यूटर साइंसेस के साथ, बायोलॉजी नहीं पढ़ी मैट्रिक में, वो प्री मेडिकल नहीं रख सकते FSC में. सो वो भी एक मेथ है, अगर आपको कोई रोक रहा है वो ऐसा करने से, सो वो सिर्फ आपके कॉलेज वाले होंगे, जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं वही रोक रहे होंगे, लेकिन जो कॉलेज वाले, अगर उनको आप एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं लाहौर बोर्ड एडमिशन भेजने की इजाज़त देता है, लाहौर बोर्ड का आई नो सो फार, सो इवन मैंने जाके वहाँ पर खुद भी बात की थी लाहौर बोर्ड में, तो वो कहते हैं कि इवन कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं मैट्रिक में वो FSC में आके मेडिकल भी रख सकते हैं. हालांकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नहीं, जिसने मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी है वो आके FSC में भी बायोलॉजी पढ़ेगा तो ही एडमिशन उसका जाएगा, नहीं तो नहीं. So thank you guys for watching the video. If you have any question, please comment down and please subscribe and like to the video.